स्टूडेंट, यह ग्रामर सीरीज की चौथी वीडियो है और इस सीरीज में हम लोग ग्रामर को बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग नंबर को पढ़ेंगे। नंबर के जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो इसका कोर कंसेप्ट है, उसको आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इस वीडियो में हम लोग बहुत ही बेसिक, एकदम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे, जो कि आगे के ग्रामर के चैप्टर में काफ़ी हेल्प करेगा। और नंबर पढ़ेंगे और नंबर के जो टाइप्स हैं उसको देखेंगे, और कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन के रूल हैं जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसको यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नंबर किसको कहते हैं। तो बेसिकली नंबर से ही पता चल रहा है कि ये नंबर का मतलब ही है संख्या। ऐसे तो हिंदी में इसे वचन कहते हैं, लेकिन जो नंबर का जो यहाँ पे सही मतलब है, सही मायने में, वो है संख्या। संख्या कहने का मतलब कि ऐसा कोई भी वर्ड जो या तो नाउन या फिर प्रोनाउन के नंबर को बताए, यानी उसके नंबर बताए एक या फिर दो या फिर तीन, ऐसे करके उसके संख्या को बताए, उसको हम नंबर कहते हैं। मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, इट डिनोट्स नंबर ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। मतलब जो नंबर है किसी भी नाउन या प्रोनाउन के नंबर को बताएगा। जैसे नंबर का मतलब संख्या मैंने आपको बताया, उसी के हिसाब से इसका नाम भी है। ठीक है, मतलब नाम के हिसाब से काम है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ऑक्स। जैसे ही आपने लिखा ऑक्स, इसका मतलब ये बता रहा है एक एनिमल को, यानी वन एनिमल की बात की जा रही है और वो ऑक्स की बात की जा रही है। संख्या में कितने हैं? वन। उसी तरीके से यहाँ पे पास में लिखा हुआ है काउज, मतलब गायें, बहुत सारे काउज की बात की जा रही है, तो ये संख्या को बता रहा है कि मोर देन वन है। क्लियर? ठीक उसी तरीके से रेखा, जो कि सिंगुलर को बता रहा है, जो कि एक पर्सन को बता रहा है, और रोहन भी एक पर्सन को बता रहा है। टीचर्स, टीचर्स कहने का मतलब है एक टीचर की बात नहीं की जा रही है, बहुत सारे टीचर की बात की जा रही है। मतलब यहाँ पे जो नंबर बताया जा रहा है वो एक से ज़्यादा बताया जा रहा है। तो नंबर बेसिकली एक को भी बता सकता है, जैसे यहाँ पर डॉक्टर में बताया जा रहा है कि डॉक्टर एक को बता रहा है यहाँ पे। और पेंस का मतलब है बहुत सारे पेंस, मतलब जो नंबर होगा ना वो एक बताएगा, यानी कहने का सीधा मतलब कि वन को बताएगा या फिर मोर देन वन को डिनोट करेगा। ठीक है, इसी हिसाब से इसके दो टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ नंबर में देखेंगे तो नंबर के दो टाइप्स होते हैं। पहला सिंगुलर नंबर। सिंगुलर ठीक उसी तरीके से नाम से ही पता चल रहा है, जो सिंगल बताए, मतलब सिंगुलर कहने का मतलब जो वन पर्सन, वन थिंग्स, वन प्लेसेस, वन प्लेस की बात करे, उसको हम कहेंगे सिंगुलर नंबर। और प्लूरल का मतलब है मोर देन वन, मतलब ऐसा कोई भी नंबर जो कि मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा, दो बताए, तीन बताए, उसको हम कहेंगे प्लूरल नंबर। तो फिर से देखते हैं, इसको समझते हैं, सिंगुलर नंबर किसको कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ इट डिनोट्स जस्ट वन नाउन और प्रोनाउन, मतलब जो सिंगुलर नंबर होगा वो वन नाउन को या वन प्रोनाउन को डिनोट्स करेगा। क्लियर? जैसे यहाँ पे सारे के सारे जो एग्जाम्पल है, एक ही नाउन को, यानी संख्या में नंबर में देखें तो ओनली वन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ऑक्स, काऊ और रेखा, रोहन और ये टीचर, ये सब क्या है? नाउन है। और ये सब कितने नंबर को बता रहे हैं? तो एक को बता रहे हैं। और यहाँ पे आगे देखिएगा तो यहाँ पे दो प्रोनाउन भी लिखा हुआ है, ही और सी, ये सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन है। तो याद रखिएगा, जो एक को बताएगा और ये दोनों होंगे, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। अब चलिए प्लूरल नंबर को समझते हैं। तो लिखा हुआ है इट डिनोट्स मोर देन वन नाउन और प्रोनाउन,
मतलब यहाँ पे जो प्लूरल नंबर होगा एक से ज़्यादा नाउन को बताएगा या फिर एक से ज़्यादा प्रोनाउन को बताएगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा ऑक्स था सिंगुलर में, तो इसका यहाँ पे लिखा हुआ ऑक्सेन, जो कि बहुत सारे बैल बहुत सारे ऑक्स की बात कर रहा है। उसी तरीके से काउज, टीचर्स का मतलब एक से ज़्यादा टीचर की बात हो रही है, और ये सब हमारा क्या है, नाउन है, और ये प्रोनाउन दे, तो दे कहने का मतलब मोर देन वन की बात की जा रही है। अब हम देखेंगे इसके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा, जो हम पढ़ते हैं ना सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में चेंज करने के कुछ रूल्स होते हैं, जो हम पढ़ते हैं उसने उस रूल्स को हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से बना रखा है। एक्चुअली जो अंग्रेज लोग हैं उन्होंने ऐसा कोई रूल्स नहीं बनाया है, ठीक है, हमने कुछ पैटर्न को ऑब्जर्व करके कुछ समझ करके रूल बनाया है कि हमें वो चीज़ें याद रखने में इजी हो, ठीक है। तो चलिए कुछ रूल्स को देखते हैं। सबसे पहला रूल है कि नाउन्स डैट एंड इन एस, डबल एस, सी एच, एस एच और एक्स, तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे नाउन जो कि एंड होते हैं, जो कि अंत होते हैं, मतलब ऐसा कोई भी नाउन जिनका अंत या तो एस से होता है, डबल एस से होता है, या फिर सी एच, या फिर एस एच, या फिर एक्स से होता है, तब हम उनको प्लूरल बनाने के लिए उसमें हम ई एस जोड़ देते हैं और वो प्लूरल बन जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल है बस, तो इस नाउन में लास्ट में एस है लगा हुआ, तो इसमें हम जोड़ देंगे ई एस और हमारा प्लूरल नाउन हो जाएगा बसेस, क्लियर। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ग्लास है, ग्लास के लास्ट में अगर आप देखिएगा तो डबल एस लिखा हुआ है, तो आपको ये सब यहाँ पे ध्यान देना है, डबल एस, तो यहाँ पे हमने एस डबल एस ई एस, यानी इसका प्लूरल हो गया ग्लासेस, है ना। ठीक उसी तरीके से नेक्स्ट देखिएगा तो ड्रेस, तो डबल एस लास्ट में था तो हमने ई एस लगा दिया, ड्रेसेस। फिर उसी तरीके से ब्रांच था, तो ब्रांच का क्या हो गया, ब्रांचेज, है ना, सी एच लगा हुआ है, आपके रूल में ही बोल रहा है कि सी एच रहेगा तो आप ई एस लगाओगे। उसी तरीके से यहाँ पे चर्च है तो चर्चेज, बीच तो बीचेस, उस तरीके से ब्रश फिर से आ गया, नहीं ऊपर में ब्रांच था, है ना, तो यहाँ पे ब्रश है तो ब्रशेस, फ्लैश का फ्लैशेस। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आपको क्या करना है, लास्ट में ऑब्जर्व करना है एस डबल एस सी एच, है ना, एस एच और एक्स, और उसमें हमें ई एस लगा देना है लास्ट में प्लूरल बनाने के लिए, क्लियर। तो ये था आपका पहला रूल। दूसरा रूल कहता है कि मोस्ट नाउन्स, मतलब जो अधिकतर नाउन, बहुत से ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका अंत बाई से होता है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि बहुत से ऐसे नाउन होते हैं जिनका अंत बाई से होता है, उनको प्लूरल बनाने के लिए हम उस बाई को आई में बदल देते हैं और साथ में ई एस लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपको दो तीन बातें याद रखनी है। पहली बात है कि ऐसा कोई भी नाउन जिनके लास्ट में बाई हो तो उस बाई को आई में बदल देंगे और उसके बाद ई एस लगा देंगे। जैसे कि एग्जांपल में देखिए बेबी, तो बेबी वर्ड में लास्ट में बाई है, हमने इस बाई को हटा दिया और उसको बदल दिया आई में, तो हो गया बी ए बी आई और उसके बाद ई एस लगा दिया और ये हमारा बन गया प्लूरल नाउन बेबीज। ठीक उसी तरीके से फैमिली है, तो फैमिली में भी लास्ट में बाई है, उसको बाई को आई में बदल कर ई एस लगा गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैमिलीज, है ना। उसी तरीके से स्टोरी में बाई को आई में बदल कर ई एस लगाएंगे तो स्टोरीज, फेरी को फेरीज, पप्पी को पप्पीज, इस तरीके से हम इसे प्लूरल बनाएंगे, क्लियर। तो इसे भी आप समझ गए होंगे, ये काफ़ी बेसिक है, ठीक है। चलिए और हम भी पढ़ रहे हैं बेसिक ग्रामर। अब ये तीसरा, जो तीसरा रूल है वो कहता है नाउन्स दैट हैव अ वॉवेल, मतलब ऐसा कोई भी नाउन जिसमें वॉवेल हो और कहाँ हो, बिफोर द वाई। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि कोई ऐसा भी नाउन
जो कि वाई के पहले वोवेल लिया हुआ हो। ये सारे में देखिएगा तो वाई के पहले वोवेल है ना, सभी में वोवेल का मतलब ए ई आई ओ यू को वोवेल बोलते हैं। तो ये सब में जितने भी यहाँ पे वर्ड हैं सब में बाई के पहले एक वोवेल है। तो यहाँ पे आपका रूल बता रहा है कि कोई भी ऐसा नाउन जिसमें बाई के पहले वोवेल हो तो उस तरीके के नाउन को प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं क्या, एस। सिंपली एडिंग एस एट द एंड, मतलब लास्ट में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए की, तो की के लास्ट में बाई है और बाई के पहले ई एक वॉवल है, तो इसको हमने कर दिया कीज, एस लगा दिया सिर्फ। मंकी, मंकी में भी वही बात है, बाई है लास्ट में, बाई के पहले ई वॉवल है, तो ये हो गया मंकीज। तो आप ऐसे ही समझिएगा, मैं सारे यहाँ पे दो तीन और समझा देता हूँ। जैसे डे, तो डे में बाई लास्ट में है और बाई के पहले ए एक वॉवल है, तो इसको हमने कर दिया चेंज डेज। ठीक उसी तरीके से रनवे, तो रनवे में बाई के पहले ए एक वॉवल है, तो इसको हमने बदल दिया रनवेज। तो ये सारे के सारे प्लूरल हम ऐसे बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। जो अगला रूल है वो कहता है मेनी नाउन्स, मतलब बहुत से ऐसे नाउन हैं डैट एंड इन एफ, जिसका अंत मतलब जो लास्ट होता है एफ से, मतलब जिसके लास्ट में एफ होगा, आर मेड प्लूरल। और इनको प्लूरल कैसे बनाते हैं, बाई चेंजिंग द एफ टू वी। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कह ये रहा है कि कोई भी ऐसा नाउन हो जिसके लास्ट में एफ हो तो एफ को हम चेंज कर देते हैं किस में, वी में, वी में चेंज कर देते हैं, और वी में चेंज करने के बाद उसमें हम ई एस जोड़ देते हैं। यानी कहने का सीधा मतलब ये हुआ कि एफ रहेगा लास्ट में तो उसको बी में चेंज कर दीजिएगा और ई एस जोड़ दीजिएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए हाफ, तो हाफ में क्या है, लास्ट में एफ है तो एफ को मैंने हटाया और बी को लगाया, है ना, तो हाफ हो गया, उसके बाद ई एस जोड़ा। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो स्टेप है। जैसे लिफ में देखिए, तो लिफ में एफ को हटाया और भी को उसमें लगाया और साथ में ई एस और लगाया, तो हो गया लीव्स। ठीक इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा सेल्फ, तो यहाँ पे हो गया सेल्फ। उस तरीके से वॉल्फ का हो गया वॉल्फ्स, है ना, थीप का थीप्स। तो यहाँ पे करना क्या है, एफ को हटाना है और एफ की जगह पे भी को लगाना है और साथ में ई एस जोड़ना है। तो ऐसे हम प्लूरल बनाते हैं इस तरीके के नाउन को। नेक्स्ट जो रूल है कहता है बट, अब यही रूल का एक एप्लीकेशन है। इसमें तो हमने सीखा कि लास्ट में एफ होता है तो एफ को भी में बदलकर ई एस जोड़ते हैं, लेकिन इसमें एक इसका एप्लीकेशन है। वो कहता है कि बट सम नाउन्स, मतलब कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंत में तो एफ होता है, बट इसको प्लूरल बनाने के लिए एफ को भी में ना बदलकर डायरेक्ट एस लगा देते हैं। तो ये नाउन बिल्कुल गिने चुने हैं, तो इनको आप याद कर लीजिए। तो चिप, चिफ का क्या हो जाएगा, चिप्स, है ना, इसमें एस नहीं लगाते हैं। उसी तरीके से रूफ का क्या हो जाएगा, रूप्स। हैंडकरचीफ का क्या हो जाएगा, हैंडकरचीफ्स, है ना। तो आप चिप को याद कर लिए तो हैंडकरचीफ भी आपका याद हो गया। क्लिफ का क्या हो जाएगा, क्लिफ्स। पफ का क्या हो जाएगा, पफ्स। तो आपको ये गिने चुने नाउन हैं, इनको आपको ऐसे ही एज इट इज याद करना है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट जो आपका रूल है वो कहता है मोस्ट नाउन्स, मतलब जो अधिकतर जो नाउन है, बहुत से ऐसे नाउन होते हैं जिनका लास्ट मतलब जिनका एंड एफ ई से होता है। ठीक है, अभी तो हमने सीखा था कि एफ से होता है और इस बार बोल रहा है कि एफ ई से होता है, तो इनको हम जब प्लूरल बनाएंगे तो इसमें हम एफ को भी में बदलकर एस लगा देंगे। ठीक है, तो हमने अभी सीखा था एफ को,
तो उसी रूल के साथ इसको भी जोड़ सकते हैं कि अगर किसी नाउन के अंत में एफ हो या एफ ही हो, ये दोनों में से कोई हो, तो ये दोनों को हटाएंगे और भी को लगाकर ईएस जोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे ईएस ना जोड़कर सिर्फ एस होता है। एफ वाले में आप क्या करेंगे, भी ईएस याद रखेंगे, और एफ ई वाले में आप याद रखिएगा सिर्फ भी और एस। क्लियर, तो चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ पे है नाइफ, तो नाइफ में एफ ई लास्ट में लगा हुआ है, तो इसका हो गया नाइफ हो गया, ई एस जोड़ दिए। फिर उसी तरीके से वाइफ है, तो वाइफ का क्या हो गया, वाइफ्स। लाइफ का क्या हो गया, लाइफ्स। और यहाँ पे देखिए मिड वाइफ, तो इसमें तो एफ ई लास्ट में लगा हुआ है, तो आप एफ को चेंज करिएगा वी में, और ई ऑलरेडी पहले से था, तो इसको आपको नहीं छेड़छाड़ करना है, तो हो गया मिड वाइफ्स। तो एफ को चेंज करना है आपको, है ना, वी में, उसके बाद एस लगा देना है। क्लियर, तो चलिए सिंपली आप इसको ऐसे ही याद रखिए, इसमें आपको एफ ई तो लगा हुआ है ही, और पहले वाले में सिर्फ एफ होता था, और इसमें एफ ही लगा हुआ है, तो इसको डायरेक्ट चेंज कर दो वी ई एस में, है ना। एफ में ई एस जोड़ेंगे, इसमें तो ई ऑलरेडी पहले से है, तो फिर भी वी ई एस ही होगा। क्लियर, तो आप सिर्फ डायरेक्ट याद रखना है कि एफ हो या एफ ही हो, उसको हटाकर भी जोड़कर भी ई एस लास्ट में कर देना है, दोनों केसेज में ऐसा करना है। तो चलिए ये हो गया आपका। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कहता है कि सम नाउन्स चेंज स्पेलिंग फ्रॉम द सिंगुलर फॉर्म टू द प्लूरल। अब कुछ ऐसे नाउन हैं, बहुत से ऐसे भी नाउन हैं, जिनको आप सिंगुलर से जब प्लूरल बनाने जाओगे तो इसका कोई भी लॉजिक नहीं है, है ना। इसको एकदम बिल्कुल स्पेलिंग चेंज करते हैं और उसको हम प्लूरल बनाते हैं, तो ये भी काफ़ी गिने चुने नाउन है ऐसे भी, तो आपको इसे भी एक नज़र देख लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे मैन, तो मैन का क्या होता है प्लूरल, मेन, ये सबको पता है। अब यहाँ पे है वुमेन, तो उसका क्या होगा, होगा वुमेन, है ना, तो ये आपको याद रखना है। अब उसी तरीके से चाइल्ड का चिल्ड्रेन, पर्सन का पीपल, ये आपको याद रखना है। पर्सन का मतलब सिंगुलर एक को बोला जाता है, पीपल मतलब बहुत सारे लोग। माउस का मेस, है ना, माइस। उसी तरीके से टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ, और फुट का हो जाएगा फीट। ये याद रखना है दो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुतों बार आ जाते हैं बच्चे के एग्जाम में, ठीक है। उसी तरीके से गूस का क्या हो जाएगा, गीस, है ना, ये आपको याद रखना है। तो और जो नाउन का जो स्पेशल टिप्स है, जैसे बहुत से ऐसे नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, और बहुत से ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, मतलब वो हमेशा सिंगुलर ही यूज होते हैं, या फिर बहुत से ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। तो हम देखेंगे नाउन का जो वीडियो, जब मैं नाउन पढ़ाऊँगा, नाउन, नाउन्स के टाइप्स स्पेशल, तब उसमें हम उन सारे रूल्स को देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दिया हुआ है। आज तक इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।